नाटो के किस एक्शन से बढ़ सकता है न्यूक्लियर वॉर का खतरा, किसने दी विनाशकारी अंजाम की चेतावनी और हथियार कंपनियों को रूसी रक्षा मंत्री के किस आदेश ने बढ़ाई यूरोप की चिंता, न्यूक्लियर खतरे से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। यूक्रेन जंग से न्यूक्लियर वॉर की आहट मिलने लगी है। पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर नेटो सेना की यूक्रेन युद्ध में उतरने की आशंका पर रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि युद्ध को भड़काना पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजे जाने की योजना सीधे तौर पर रूस को चुनौती है, इससे न्यूक्लियर वॉर भड़कने का खतरा है। नेटो में शामिल हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बान का दावा है कि यूरोपीय नेता पीस कीपिंग फोर्स पर जल्द फैसला ले सकते हैं। नाटो से भरते रूस ने महाविनाश की तैयारी तेज कर दी है। सैन्य कमांडरों के साथ मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री शोइगु ने डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगले 2 महीने में घातक हथियारों का प्रोडक्शन 2 गुना करने का लक्ष्य है। रूस की चुनौती को देखते हुए अमेरिका अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दे सकता है। अमेरिका के टॉप जनरल ने इसके संकेत दिए हैं। जनरल मार्क मिले ने कहा है कि आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन रूस की आक्रामकता के खिलाफ ये फैसला लिया जाएगा। अब भूमध्य सागर में भी रूस अमेरिका में टकराव बढ़ सकता है। यहाँ रूस को चुनौती देने के लिए अमेरिका अपने जंगी बेड़े यूएसएस लेटे गल्फ और यूएसएस डेलबर्ट को तैनात करने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में E-10 थंडर बोट अटैक जेट्स की तैनाती का भी प्लान है। बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट के बीच अमेरिकी नौसेना ने एजिस वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए एक मीडियम रेंज मिसाइल को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। इसे बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है। परमाणु युद्ध के खतरे के बीच जर्मन रक्षा मंत्री के एक बयान से यूरोपीय देशों में हड़कंप है। बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि यूरोप को अमेरिका के बगैर अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार पर सोचना होगा। हर बात के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है। डोनबास में पानी की पाइपलाइन के लिए पंपिंग स्टेशन लॉन्च कर रूस ने यूक्रेन और पश्चिम को जोरदार तमाचा मारा है। पुतिन ने डोनबास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी के संकेत तब दिए जब ज़ेलेंस्की अपनी जमीन वापस लेने तक जंग की बात कह रहे हैं। यूरोप के खिलाफ रूस नए तरह के युद्ध की तैयारी कर रहा है। 2 बड़े इंटरनेशनल रशियन ट्रेडर्स ने गेहूं निर्यात के कारोबार से पीछे हटने का ऐलान किया है। इसका मतलब अब कई देशों में पुतिन गेहूं निर्यात को अपनी शर्तों पर कंट्रोल करने में सक्षम होंगे।